हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूँ अहमद संधू। सो आप गाइस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देख रहे हैं। सो गाइस, हमने मतलब काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड की है, जिसकी वजह ये भी है कि मौसम की चेंजेस आ रही हैं और नज़ला बुखार वगैरह इन चीज़ों के वजह से ना थोड़े से मसले इनको मसाइल पेश आ रहा है। देखो अभी भी आपको लग रहा होगा तो ऐसे ही ऐसे पेपर्स भी आ गए थे, पेपर्स आ रहे हैं अमात के उम्र के, तो काफ़ी हम ना बिजी हमारा स्केड्यूल बन के जी। तो अब इंशाल्लाह ना आप डेली अपलोडिंग किया करेंगे जी। बिल्कुल, आपको आप सजेशन दीजिएगा हमें कॉमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसका नाम है पाकिस्तान वर्सेस इंडियन मिलिट्री कंपैरिजन 2020। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय चैनल ग्लोबल एनालिसिस। टुडे आई एम गोना डू अ मिलिट्री पावर कंपैरिजन बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। व्हिच कंट्री इज मोस्ट पावरफुल, लेट्स सी इन दिस वीडियो। न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद पॉपुलेशन और इतना बड़ा डिफरेंस। एयरफोर्स के बारे में हेलीकॉप्टर्स सिर्फ दो राज्यों के बाद इसमें हाफ हाफ का डेवलपमेंट 33 मजाक हो रहा है।
से तो बक्सर ड्रॉप है वीडियोस बनाएंगे काफी इस पर न्यूक्लियर तो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड होती है अहमद यार आपने देखा है ना कि काफी चीजों में पाकिस्तान आ गए काफी चीजों में इंडिया आ गए पर ज्यादातर चीजों में इंडिया आ गए क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है मिलिट्री पावर ज्यादा है तो पॉपुलेशन के हिसाब से उनको आर्म्ड फोर्सेस ज्यादा चाहिए तो इसलिए तो पाकिस्तान मतलब कुछ में है ये बराबर भी है हाँ, कुछ में जमीन आसमान का फर्क है जैसे पाकिस्तान के एक चीज मतलब वो मैरीन में भी थोड़ा सा नीचे था डाउन था बट ये था ट्रेनर में पाकिस्तान आ गया था पर डिस्ट्रॉयर में पाकिस्तान है ही नहीं डिस्ट्रॉयर हाँ डिस्ट्रॉयर में 10 है इंडिया के पास 10 है ऐसी है और भी काफी चीजें हैं जो इंडिया के पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं है नहीं है डिफरेंस तो है इंडिया बहुत ज्यादा मतलब अपना ना जो बजट का हिस्सा है वो आर्मी पे निशावर करता है पाकिस्तान का भी थोड़ी सी साइकी है सब कॉन्टिनेंट सारों की यही साइकी कि हमने सबसे ज्यादा बजट अपना बजट का ज्यादा हिस्सा आर्मी को देना है तो ऐसे सही है यार बट इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया जैसे जा रहे हैं क्योंकि एक निशानी होती है फ्यूचर में वॉर हो सकती है तो ये चीजें अगर खुदा ना खास कर लॉन्च हो जाती है तो भाई कर देंगे मुझे लगा कि इंडिया आ गया पाकिस्तान से भी कोई डाउट ही नहीं फ्यूचर में क्योंकि साफ नजर आ रहा है उनके काफी सारी तकरीबन सारी चीजें हमसे हमारी दो तीन चीजें हैं जो हमसे तो फाइटर हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान आ गया तो उनकी आर्मी देखो कितनी सारी आर्मी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है 3-4 गुना ज्यादा है 10 times ज्यादा है करोड़ उनके करोड़ के हिसाब से है आर्मी हमारी लैक के हिसाब से और रोडवेज में भी वो सबसे ज्यादा आगे तो मैं तो इंडिया कहूंगा इंडिया इस टाइम आगे है ये अनबायस्ड रिएक्शन दे रहा हूं इंडिया आगे है पाकिस्तान अभी पीछे है बट फ्यूचर में हु नोस बेटर सो गाइस यहां वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो एंड करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारा जो इंस्टाग्राम पर लिंक है वो नीचे है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाकर फॉलो कर सकते और मान लो ठीक पर दिया तो दुआओं में हमें याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह